हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं LTI के बारे में, जो कि लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की कंपनी है और ये IT सेक्टर से आती है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसने काफ़ी दिनों बाद एक न्यू लाइफ हाई छुआ है 4600 को। उसके बाद ये तकरीबन 4400 के आसपास जाकर के सेटल होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तब तक इसके रिजल्ट नहीं आए हैं। जब भी इसके रिजल्ट पब्लिश होंगे तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसने न्यू लाइफ हाई बना करके ये 4400 पर क्यों सेटल हुआ। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को इसके ग्राफ को एक बार स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर ग्राफ में क्या हुआ है समय के साथ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये टेक्निकल चार्ट है और वीकली चार्ट है LTI का। ये तकरीबन 4500 के आसपास ये लाइफ हाई बनाया था इसके पहले। आज इसने 4600 का लाइफ हाई बनाया है, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो 4500 के आसपास इसने लाइफ हाई बनाया था, उसके बाद ही इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। आपको दोस्तों याद होगा कि FIs ने IT स्टॉक में सेलिंग करके या बोलिए प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर का रास्ता देखा था, और उस समय काफ़ी निगेटिविटी फैली हुई थी IT स्टॉक को लेकर के, और लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि अब IT स्टॉक में बुलिशनेस ख़त्म हो जाएगा, ये बियर फेज में चल जाएगा, इस टाइप की भी बातें हो रही थी। लेकिन उस समय भी दोस्तों इसने काफ़ी स्टेलर रिजल्ट प्रस्तुत किया था अपने एनुअल रिजल्ट। लेकिन उसके बावजूद सारे IT स्टॉक और साथ में LTI में भी हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली थी। और ये बार बार देखिए न्यूनतम स्तर, यहाँ पर देखिए ये तकरीबन 3600 के आसपास जाकर के ये बार बार अपने उच्चतम स्तर को जाता था, फिर से इसमें सेलिंग आती थी और फिर ये वापस 3600 के आसपास आता था। और फिर इसने आज ऊपरी स्तरों पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन इसके ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाए और लगभग लगभग ये उन्हीं स्तरों पर जा करके क्लोजिंग दिया है जिस स्तर पर ये बार बार गिरावट के मोड में चला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने इस स्तर को छुआ, उसके बाद इसमें गिरावट हो गई, दोबारा इस स्तर को छुआ, इसमें गिरावट हो गई, और आज इसने इस स्तर को पार करने की कोशिश की लेकिन सेलिंग आई। और ये अपने जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तकरीबन 4400 से ऊपर का लेवल, यहाँ पर जाकर के इसने आज विराम ले लिया है। इसके तेजी में हम लोग ब्रेक लगता हुआ देखे हैं। तो क्या स्टॉक ये इन स्तरों से ऊपर जा सकता है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी एनालिसिस किए हैं LTI के ऊपर, आप मेरे चैनल पर जाकर के ढूंढ के देखें, जब इसमें गिरावट हो रही थी और इन्वेस्टर में काफ़ी नर्वसनेस था, उस समय भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था और एनालिसिस के बाद ये पता चला था कि इसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, तो इस स्टॉक में हम लोगों को खरीदारी करके चलनी चाहिए और कभी भी इसमें तेजी आ सकती है। तो अब दोस्तों, इसमें तेजी आई है और मेरे हिसाब से ये तेजी कल भी बनी रहेगी। इसके कारण यही है दोस्तों कि जो आज ये रिजल्ट लेकर के आने वाली है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि LTTS के रिजल्ट काफ़ी शानदार आए, तो उसमें 20% का सर्किट हम लोग लगता हुआ देखे हैं। तो उसी प्रकार से LTI में भी कुछ कल बड़ा होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट हम लोगों को काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब अगर इसके रिजल्ट शानदार आते हैं तो इमीडिएट हम लोगों को टारगेट क्या देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इस स्टॉक को, वो तकरीबन 4500 का है और लगभग उन्हीं स्तरों के आसपास जाने के बाद इसमें बिकवाली शुरू हुई और ये 4400 के आसपास बंद हुआ है। लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे दोस्तों, तो इसमें स्टेलर रैली देखने को मिलेगी, फिनोमेनल रैली देखने को मिलेगी। हो सकता है ये LTTS के राह पर चलता हुआ देखने को मिले, और जो रैली आएगी दोस्तों, इसमें काफ़ी तगड़ी रैली आएगी और
ये स्टॉक 6386 के लेवल पर भी जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। आप ऐसा नहीं सोचिएगा ये कल ही चला जाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक 6000 के लेवल पर जरूर जाता है, वो हम लोग देख पाएंगे आने वाले दिनों में। तो अब दोस्तों हम लोगों को इंतजार रहेगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक एस्टिमेट लगाए हैं कि LTI के काफ़ी अच्छे रिजल्ट रह सकते हैं Q1 के, तो उस प्रकार से अगर इसके रिजल्ट आते हैं तो हम लोग कल इसमें काफ़ी विस्फोट होता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपकी भी राय LTI के ऊपर कुछ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।